हेलो गाइज, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो दे विच मैं गल करन वाली हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे उपर, ते ओ है यूके स्टडी वीज़ा। ते ए खुशखबरी है उन्हां बच्चों लई जो कि जम्मू, दिल्ली या गुजरात च पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो पंजाब हरियाणा तो नहीं बिलोंग करते उन्हां लई खुशखबरी है, एंड जो बच्चे पंजाब हरियाणा तो बिलोंग करते हैं उन्हां नूं ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि उन्हां लई ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं हैगी। पर ए भी मैं तुहानूं आखिर च दसांगी कि क्यों इदा जो है उन्होंने नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स नूं जो है नहीं लिता, तो उन्हां लई की ऑप्शनस है। सो इस वीडियो च बनन लई पहला तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, तो उन्हें सारे बच्चों नूं शेयर करो जो कि यूके जाना चाहते हैं। सो जिहड़े कि पंजाब हरियाणा तो नहीं हैगे उन्हां लई बच्चों की तीन यूनिवर्सिटीज़ मैं लैके आई हूँ जो कि बहुत सारे बेनीफिट्स जो दे रही हैं उन्हां बच्चों नूं। तो मैं फिर रिपीट करती हूँ, ये यूनिवर्सिटी के विच पंजाब हरियाणा के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। सो जो तीन यूनिवर्सिटी है वह है बांगर यूनिवर्सिटी, डांडी यूनिवर्सिटी, तो टीस साइड यूनिवर्सिटी। सो सब तो पहले मैं गल करांगी बांगर यूनिवर्सिटी तो डांडी यूनिवर्सिटी के विच। सो बांगर यूनिवर्सिटी तो डांडी यूनिवर्सिटी के बेनीफिट्स ये है कि जेकर तुसी बैचलर्स की है तो थोड़े 45% नंबर ने या फिर उस तो भी घट है, तो बट थोड़ा जो बैकग्राउंड है वह इंग्लिश मीडियम का है, तो टेंशन लैन की कोई भी जरूरत नहीं है। तुसी यूके लिए अप्लाई कर सकते हो और भी बहुत ज़्यादा बेनीफिट्स के नाल। तुसी एम ओ आई दे बेसिस दे उत्ते जो है मास्टर्स लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि प्री मास्टर विद मास्टर करके प्रोग्राम है, और तुसी अप्लाई कर सकते हो एम ओ आई दे बेसिस दे लई। हुण बहुत सारे बच्चों नूं एक कन्फ्यूजन होएगी कि एम ओ आई की है। सो एम ओ आई नूं डिटेल च जानने लिए तुसी सानूं नीचे दिते गए नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। साडा स्टाफ तुहानूं फ्री ऑफ कॉस्ट से कंसोल करेगा, कंसल्ट करेगा। सो अगे वधदे हैं। सो जिहड़े बच्चा जो है आउट ऑफ पंजाब हरियाणा ने वो बांगर ते डांडी यूनिवर्सिटी विच अप्लाई कर सकते ने जेकर उन्होंने 45% नंबर है या उस तो भी घट है। बट एक चीज़ चाहिए है कि उन्होंने जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए है। कोई भी स्टेट बोर्ड जो है नहीं चलेगा, जस्ट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए है, तो तुम जो इन्हें यूनिवर्सिटीज़ लिए अप्लाई कर सकते हो। सो हुण इन्हां यूनिवर्सिटीज़ तो अलावा जो अपनी टी साइड यूनिवर्सिटी है उन्होंने की बेनीफिट है। सो थर्ड यूनिवर्सिटी है टी साइड यूनिवर्सिटी। सो टी साइड यूनिवर्सिटी के विच जो है अपनी मास्टर्स 2 साल की है, तो एक तरह की ये हो सकता है कि ये 2 साल तुसी किवें पढ़ाई करनी है। पहली गल, टी साइड यूनिवर्सिटी की जो फीस बहुत ही घट है, जिन्हें मैं कह 13 तो 14 हज़ार या फिर 12 तो 14 हज़ार के विच ही वैरी करती है, इस तो वध है ही नहीं। उस तो अलावा ये जो 2 साल की जो डिग्री है ये किवें है, 1 साल की स्टडी है तो 1 साल की इंटर्नशिप है। सो जो 1 साल का जो थोड़ा खर्चा है सालाना वो 6 से 7 लाख है। तो जेकर तुसी स्कॉलरशिप ले लैंदे हो, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप वैसे भी यूके दे दिंदा है, तो तुसी ये कह सकते हो 5 से 7 लाख के विच तुसी 1 साल की फीस जो है देनी है, या थोड़ी 5 लाख हो सकती है, 6 लाख हो सकती है, 7 लाख हो सकती है, इस तो वध नहीं हो सकती। तो जेकर तुहानू स्कॉलरशिप लग जाए तो तुहानू 1 साल की सिर्फ 5 लाख ही देना पवेगा स्कॉलरशिप के नाल यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस करके। उस तो अलावा जो है तुसी 1 साल की फीस भरती। दूजा जो ईयर है वह है इंटर्नशिप का ईयर। जो वो इंटर्नशिप का ईयर है उत्थे तुहानू कोई भी क्लासेस लगाने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या मैं ये कहां कि कोई भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, तुहानू फुल टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यस गाइज, तुहानू सैकेंड ईयर दे विच पूरा टाइम जॉब परमिट मिलेगा। सो ये देखा जाए इट्स लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 साल की स्टडी बिल्कुल फ्री दे विच बराबर बराबर दी है कि तुसी यूके दे विच सिर्फ 5 लाख फीस भर के जो है पढ़ सकते हो। उस तो बाद दूसरे साल के इंटर्नशिप ले सकते हो, उस इंटर्नशिप के फुल टाइम जॉब करके अपने सैकेंड ईयर की जो है फीस काट सकते हो। सो जे मैं कह ऑल इन ऑल तुम्हें 1 साल का वर्क परमिट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। पर मैं फिर कह दिनी है ये सारे जो बेनीफिट्स हैं बांगर, डांडी ते टी साइड यूनिवर्सिटी उन्हां बच्चों लिए है जो कि पंजाब हरियाणा तो बाहर ने, फॉर एग्जाम्पल गुजरात,
दिल्ली या फिर किसी भी एरिया दे विच, बट पंजाब हरियाणा लई ये ऑप्शन नहीं है। हुण मैं उन्हां बच्चों नूं कहना चाहनी है जो पंजाब हरियाणा तो उत्थे ऑलरेडी ने, प्लीज़ बाकी सारे बच्चों लई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, क्योंकि नवे रिक्रूटमेंट्स लई बहुत डिफिकल्टी हो रही है। बट निराश होने की कोई लोड़ नहीं, जेकर तुसी पंजाब हरियाणा तो भी हो तां वी एक ऑप्शन जो है बहुत वधिया यूके ने कढ़ लिया, वो है सुंदरलैंड यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब हरियाणा के बच्चे इहदे विच अप्लाई कर सकते हैं। हुण इहदियां की कंडीशन है, सब तो पहली गल जो तुसी 12वीं की हुई है, 10+2 हो तो आयल्स स्कोर जो थोड़ा है वो 6 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5.5, आई रिपीट 6 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5.5 होना चाहिए है तो तुसी इस यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो। हुण इस यूनिवर्सिटी का फायदा यह है कि इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरव्यू नहीं लेंदी। इंटरव्यू वैसे कह रही है कि बाकी भी नहीं लेंदे, बट मैं एम्बेसी जो है ऑप्शनल होंदी है, बट यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी होंदी है। बट इस यूनिवर्सिटी दे विच जो है थोड़ी इंटरव्यू नहीं होएगी। सो ये एक ऑप्शन है जो कि पंजाब हरियाणा वाले जो है ग्रैब कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर्स से कॉल भी कर सकते हो, या तुसी डॉक्यूमेंट्स लैके साडे ऑफिस राजपुरा भी आ सकते हो, मंजिल इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच।